बीच सुनील IHM से संबंध रखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से। आप बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको हर काम आता है। जिंदगी में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री या ये जो सब्जेक्ट है यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी जिंदगी बहुत कुछ है। कई बार घर में मेहमान आते हैं तो आप सैलेड देते हैं काटते हैं, तो अगर आप ऐसे काट कर दे दें तो अच्छा लगेगा क्या? लेकिन चीज़ें व्यवस्थित हो कितना बढ़िया लगेगा ना। तो मैं सर से रिक्वेस्ट की थी सुनील जी से टाइम निकालिएगा और हमारे बच्चों को जो किचन के हैं या कुछ डाइनिंग एटिकेट्स होते हैं वो सिखाइएगा। तो आज इन्होंने कहा कि सर मैं इनको आज के दिन तो सैलेड जो है वो कैसे किस तरीके से परोसा जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है वो सिखाऊंगा। इसके बाद डाइनिंग एटिकेट्स क्या होते हैं वो बेटा इनसे हम सीखेंगे। ये जो आपकी एक्टिविटी है इसको CCA के अंतर्गत भी लिया जाएगा, जो सर के सिखाने के बाद सबसे बढ़िया सैलेड तैयार करेगा या उसको प्रोसेस करेगा उसको हम बहुत बढ़िया इनाम भी देंगे। आज आपने बड़े ध्यान से सीखना है, इनसे कुछ पता ना लगे तो बार बार इनसे पूछो, कोई भी इसको लाइटली नहीं लेगा। मैं भी सीखूंगा और मैंने सर से एक दिन गुजारिश की थी कि हम स्टाफ मेंबर्स को भी, तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई दिन स्टाफ मेंबर्स को भी सिखाएं। तो मैंने 23 जो है दिसंबर उस दिन ये हम स्टाफ मेंबर को सिखाएंगे। हम स्टाफ मेंबर भी आपस में ऐसे कंपटीशन करेंगे कि कौन जो है वो सबसे बढ़िया जो है वो सैलेड फॉर्म करता है। तो आज आप बेटा तैयार हैं, इतना बढ़िया करना है आपकी मम्मी पापा भी बोले कि कहाँ से सीख कर आए हो। सब काम जो है सबको आने चाहिए, तो मैं सर से गुजारिश करता हूँ कि अब आप आए और आप लोगों को सिखाए। हेलो बच्चों, नमस्कार, ठीक है बीच वाले आपको कंफर्ट है, दिख रहा है ना? जिसको नहीं दिख रहा बेटा बता देना है और शर्माना नहीं है। आज हम आपको कटिंग बताएंगे जो सैलेड होते हैं आप घरों में खाते हैं, होटल में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, जगह जगह देखते हैं आप बड़े अच्छे से सजाया होता है, वो वैसे ही आप भी कर सकते हैं अपने घर में। अपने आपके गेस्ट आए या आपका कोई फ्रेंड है उसको पार्टी दे रहे हैं, अपने आपको डिफरेंट डिफरेंट आज आपको कटिंग्स बतानी है और आपने वो सीखनी है और आपने इम्प्लीमेंट भी करनी है, टेक्निक्स बतानी है कि कैसे कैसे हमने इसको काटना है और डेकोरेटिव तरीके से इसको सजाना है। अपने जो आप लंच बॉक्स लाते हैं डेली लाते हैं उसमें सैलेड जरूर लाएँ, क्योंकि सैलेड जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप खाना खाते हैं, खाने के साथ सैलेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं तो बोलता हूँ जरूर खाएं। मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे भी हैं यही पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में वो भी खाते थे, बेटी बड़ी दिक्कत करती थी, लेकिन आज वो खीरा भी खाती है। सैलेड सबसे पहले जरूरी क्यों है हम लोगों के लिए, क्यों खाते हैं हम? क्योंकि हेल्दी रहे हम, इससे हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और भी काफ़ी सारे विटामिन जो है हमें सैलेड से मिलते हैं और ये खाना चाहिए। तो पता होना चाहिए जो हमारा ग्रीन सैलेड है इसमें कौन कौन से आइटम हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लेटिस बूली। और ये क्या होता है? हम जब भी काम करते हैं तो सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं, हमारे सैनिटाइजेशन के होते हैं जैसे डेटॉल रखा होता है, और उसको हैंड वॉश करने के बाद जो हम अपने जो हमारा वहाँ डेली रूटीन है उसको स्टार्ट करते हैं, हम बार बार हाथ धोते हैं, नाखून हमारे कटे होते हैं, बाल हमारे प्रॉपर ग्रूम्ड होते हैं और हाइजीनिकली हम फिट होते हैं। भले ही खांसी जुकाम लगा हुआ और हम वहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारी ऐसी कैप्स होती है, ठीक है, हम इनको बियर करते हैं ऐसे हेड के, इनको पहनते हैं, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। क्योंकि क्यों पहना जाता है? क्योंकि हमारे सिर पे बाल है या किसी को डैंड्रफ है, कुछ भी है, तो वो सारा खाने में गिर सकता है और वो अनहेल्दी होता है। और साथ में क्या होते हैं, हमारे ग्लव्स होते हैं। अभी अपने कोई भी काम करना होता है किचन में तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हाथ धोने के बाद जो है इन ग्लव्स को यूज करते हैं, ताकि हल्का फुल्का अगर हमारा हाथ अनहेल्दी है तो वो फूड में ना जाए और हमारा फूड जो है ख़राब ना हो, ठीक है बेटा? पहले तो मैं आपको कुछ इक्विपमेंट दिखा देता हूँ अपने जो हमारे यूज़ होते हैं कटिंग के लिए। कटिंग के लिए आपके घर में चॉपिंग बोर्ड होता है बेटा, ये फाइबर का है, वैसे तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि उसमें प्लास्टिक का कंटेंट होता है,
मैं अपने घर में भी वुडन का चॉपिंग बोर्ड बनवाया हुआ, तो मेरा किचन है तो हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाइजीनिकली अच्छा होता है। और एक डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं काटने के लिए, जैसे नॉन वेज हमारा होता है मीट, उसके लिए रेड कलर का चॉपिंग बोर्ड होता है। फिश की कटिंग के लिए हमारे पास ब्लू कलर का चॉपिंग बोर्ड होता है। जो वेजिटेबल्स है हमारे बेटा, उनके लिए ग्रीन कलर का चॉपिंग बोर्ड होता है। जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हमारे पास वाइट कलर का चॉपिंग बोर्ड होता है। ठीक है, इनके लिए यूज़ किए जाते हैं चाकू, जिनको बोलते हैं नाइफ। ठीक है, लेकिन आप इनको तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप इनको चलाने में स्किल्ड होते हैं। और ये पर्टिकुलर साइज एंड शेप में होते हैं, 12 इंच, 6 इंच, 9 इंच, 14 इंच, 18 इंच, अप टू सो ऑन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन ओकेजनल जो यूज़ होता है वो यही होता है। ठीक है, एपी नाइफ है, एपी मीन्स ऑल पर्पस, इससे सारे काम किए जा सकते हैं, कटिंग का भी, फिश काटनी है, चिकन काटना है। ये वेजिटेबल नाइफ है जो आपके घरों में आपकी मम्मी यूज़ करते हैं, इतना सा होता है ना चाकू। ये पिलर होता है पील करने के लिए, छीलने के लिए। और ये कि पैलेट नाइफ होता है स्प्रेड करने के लिए। ठीक है ना, जो वेजिटेबल कट होते हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, 8 तरह के कट होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल के लिए यूज़ करते हैं, डाइस कट करते हैं, उसको ब्लू डाइस बोलते हैं। मैं ज़्यादा नहीं आपको बताऊँगा, आपकी समझ से बाहर होगा क्योंकि फ्रेंच टर्म के नेम है। डोनाइस है, जार्डियर है, एसडियोन है, मार्को है, डिफरेंट डिफरेंट कट्स के नेम होते हैं जो हम अपने बच्चों को आप इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। आपको हम वेजिटेबल को कैसे काटना है, मैक्सिमम यूज़ कैसे करना है उसका, और मिनिमम वेस्ट करना है उसको, आप घरों में करते हैं कि आप क्या करते हैं, मम्मी ने कई बार सब्ज़ी काट के दे दी और गुस्से में है, ज़्यादा छिलका निकाल दिया, मैंने बीज वाला पार्ट निकाला है वो वाला निकाल दिया और मम्मी काट पीट के दे दी जो भी है। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें बेस्ट पार्ट कौन से होते हैं, आपने उसको कैसे यूज़ करना है। इसमें खीरा है जैसे, ये सारा एटेबल है, ये सारा खा सकते हैं इसको। इसमें सिर्फ दो पार्ट होते हैं, इसका टॉप एंड बॉटम, जिसमें थोड़ा कड़वापन होता है उसको हम काट के चाक देते हैं, लेकिन इसको भी छिलका भी खाया जा सकता है ऐसा। इनको भी कैसे काटना है, कैप्सिकम है और एक कैरेट है, लीची वेजिटेबल है जैसे पत्तेदार सब्जी है, घर पे साफ काटते हैं, दराकी से काटते हैं, नाइफ से काटते हैं। हम आपको ऐसे बेस्ट तरीक बताएंगे कि कैसे काटना और झटपट से मिनट में काट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको वॉश करना है अच्छे से, एक बच्चा खड़ा हो जाएगा बेटा वॉश करने के लिए, हल्का सा धोना है। आपने वैसे किसके टैप के अंदर नीचे धो सकते हो आप, बना घर में चल दे दो। मैक्सिमम जो है वो के ही यूज़ करना है। ठीक है ना, कभी भी इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना। कई बार होता है ना, फल जाते हैं दुकान में उठाते हैं, अंकल की दुकान बेर उठा लिया, डायरेक्ट खा लेते हैं क्योंकि उसमें धूल मिट्टी गिरी होती है, तो हमें इसे यूज़ करना होता है। आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं चाकू छुरी जो भी है, उनको डेली वॉश करने की आदत डालो। अपनी मम्मी को बोलो, आप किचन में हेल्प कर रहे हैं तो आप भी साथ दो उनका थोड़ा सा। इन इक्विपमेंट को बार बार वॉश कर लो, क्योंकि अगर आप एक बार यूज़ कर रहे हैं ना तो देख रहा अपने घर में, अपने देख रहा साफ सुथरा जाके, पक्का इसमें गंद फंसा होगा। चाकू और ये जो पिलर है इनको देखना, घर पे चेक करना कि मैं गलत बोल रहा था कि नहीं, ये गंदगी होती है इनमें, चाहे उसकी हैंडल में गंदगी होगी, काला काला सा जमा होगा। आराम आराम से इसको पील करना होता है, सबसे पहले पीलिंग। ठीक है, ये बेटा वर्ड्स ना लैंग्वेज सीख लो, आपको ये बेटा ज़िंदगी में काम आएगी। अगर कल को आपने इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना होगा तो ये आपको वर्ड्स, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में इंग्लिश जो है बहुत यूज़ होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। कुछ एक वेजिटेबल्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम यूज़ होती है, जैसे आपका एप्पल है, आप एप्पल को आप जो सर्व करना होता है उसी टाइम काटते हैं, उसको पहले नहीं काटते क्योंकि ब्लैक पड़ जाता है, एयर के साथ ऑक्सीडेशन होती है। शायद आपको आपके सिलेबस में भी हो कि सेब काला पड़ जाता है काटने के बाद। ठीक है, पोटैटो है, पोटैटो में भी ऐसा होता है, उसको भी काटने के बाद जो पानी में डीप करते हैं अगर उसको आप ओपन एयर में रखते हैं तो वो भी काला पड़ जाता है। धनिया, पुदीना और हरा साग एक बार काटना है इसको, और आधे घंटे बाद उसको दोबारा चाकू से काटना और आधा घंटा छोड़ देना, वो काला पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, आपकी सब्जी का रंग रूप सारा ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। कोई बच्चा अगर यहाँ आके करना चाहता है मेरे साथ, तो ऐसा नहीं आ सकता है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ लाइव करना है,
ताकि बच्चे जो और हैं वो भी मोटिवेट हो, किसी ने आना आगे तो आ जाओ यहाँ। हमने ट्रिम करना सबसे पहले इसको, जो इसका टॉप बॉटम है दिख रहा है, खड़े बैठे ज़्यादा देर खड़े नहीं हो जाएगा ना आपसे, आता है इसे काटना? यस सर। चलो तो कोई बड़ा नया काम नहीं कर रहे, लेकिन व्यवस्थित कैसे करते हैं वो, उस खाना को सजाते कैसे हैं बाद में? तो हमने आपको सैलेड का भी बता दिया, लेकिन उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें आपको और बताएंगे। आप जब भी घर में सब्जी बनाते हैं बेटा, तो आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से काटते हैं, ऐसे होता है ना, एक सेब पर्टिकुलर सेब कर लेते हैं अपने मन में डिसाइड, और उसके अकॉर्डिंग काटते हैं, वो थोड़ी बड़ी छोटी हो जाती है, तो कटिंग का बड़ा इम्पैक्ट होता है कुकिंग पे। जब भी आप घर में बनाते हैं तो उसको एक सेब में काटना पड़ता है, उससे क्या होता है उस सब्जी का भी टेस्ट बरकरार रहता है, और वो सब्जी क्या होती है देखने में भी अच्छी लगती है। अगर आप उसमें घास के चारे की तरह कटिंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कटिंग करेंगे, तो वो चाहे उसमें आपने देसी घी डाला हो, अच्छे मसाले डाले हो, अच्छी स्पाइस डाले हो, वो टेस्ट वाइज जैसी भी अच्छी हो, लेकिन लुक वाइज अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि जब भी आप कहीं पर खाना खाते हो बेटा, तो आई अकेली होता है खाना, सबसे पहले खाने को कौन खाता है? जो हमारी आईज होती है ना बेटा, सबसे पहले खाने को कॉल करती है, वो ईट करती है, वो देखती है, तो उसको अच्छा लगता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मार्केट में जाते हैं, सूरज स्वीट जाते हैं, और वो जलेबी अच्छी अच्छी डेकोरेटिव दिखती है, तो हमें मन करता है कि खाएंगे, क्योंकि मन आँख पहले देखती है, फिर वो मन डिसाइड करता है, फिर वो हमारे स्टमक पेट के अंदर जाता है, ठीक है, एनर्जी के लिए, जो हमें एक नेसेसिटी है, जो हमारा फूड हमें चाहिए चाहिए। तो जैसे आपने डाइस होती है तो कैसे बनानी है, और जैसे आपकी, मैंने यहाँ एक चीज़ काट के रखा हो, तो ये जो होती है आपकी, ये डाइस होता है स्क्वायर, ठीक है, इसको और पतला कर लेंगे थोड़ा, तो ये आपकी फाइन डाइस बन गई, छोटी हो गई और, ठीक है बेटा। कहना चाउमीन उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स देखते हैं ना, इनको जूलियन बोलते हैं, माचिस की तीली की तरह होती है, ऐसी कटिंग होती है उनकी, ये होती है स्ट्रिप्स जो होती है, आप सोचते हो कि कद्दूकस से या उससे ग्रेटर से की होगी, लेकिन उनको हाथों से ही काटा जाता है। सैलड की कटिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डायगनली कटते हैं, लंबा सा कट लगाते हैं कि हमारा पीस भी बड़ा सा दिखे हमें और डेकोरेटिव बने। काटने के लिए आप इसको राउंड शेप में भी काटते हैं, ऐसे भी काटते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी काट सकते हैं इसको आप। कटिंग आप जिस भी स्टाइल में कर सकते हैं, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए कि वो एक ही सिमेट्री में होनी चाहिए, एक जैसी ही दिखना चाहिए, एक जैसा पैटर्न। अब जैसे मान लो आप मूली काट रहे हैं, थोड़ी सी आपने ऐसे काट दी, थोड़ी सी आपने ऐसे काट दी, थोड़ी सी आपने और ये सारा मिक्स किया और दे दिया गैस को, तो वो है तो मूली है, ये भी मूली है, ये भी मूली, लेकिन डेकोरेटिव नहीं है। तो उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए जो है कटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जो कटिंग स्टाइल है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो आपकी ये फिंगर होती है, मिडल फिंगर है, इसको अंदर की तरफ बेंड करना होता है 15 डिग्री के अंदर, कि ताकि आपका जो है नेल्स ना कटे। ये चाकू जो है हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ कटे हैं स्टार्टिंग में, जब आप प्रैक्टिस करते थे तो दूसरे तीसरे दिन कट लगता रहता था, लेकिन अब हम परफेक्ट है, डेली हमने प्रैक्टिस की, 12 सालों से काम कर रहे हैं, तो ये सिंगल डे का काम नहीं है कि आप घर में चले जाओ और आज इसको प्रैक्टिस करने लगो, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इतने बड़े चाकू से करना, ठीक है बेटा। आपने देखना है, सीखना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है। ग्राउंड है, ठीक नहीं रहा है, तो इसको हल्का सा यहाँ से हम स्लिट कर लेते हैं, ताकि ये क्या जो है स्टैंड हो सके, आराम से टिक सके, चाहे आपको बैठ को राउंड शेप की आपकी जो भी बेस्ट शेप रखा, उसको हल्का सा स्लिट कर लेना है, ताकि वो इजीली टिक सके और आप उसको कैरी कर सके। तो ये है, इसको ऐसे प्रेस करना होता है, हल्के हल्के से इस साइड से ट्रिम करना और हल्का सा इस साइड से।
काटना चाहिए साग, आप क्या करते हो बिल्कुल उसको काट काट के बार बार उस पर चाकू चलाते हैं और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको कम कर देते हैं। ये हमने अभी कटिंग करी है, छोटा सा प्लेटर तैयार किया है, ठीक है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सुपारी वेजिटेबल्स है वो कट किया हमने, ऐसे इसको डेकोरेट किया है। अभी आप लोगों ने भी जो हमने घर से ले किया है बेटा। तो थोड़ा टाइम की भी लिमिटेशन है, आपने भी घर जाना होता है, तो हमने थोड़े से सैंपल्स आपको आज जो ग्रीन सैलड की जो कैसे कटिंग करते हैं, घरों में कैसे इस्तेमाल करना है, सैलड को कैसे डेकोरेट करना है, डिफरेंट टाइप्स के आपको बेटा हमने कट्स बताए और हाउ टू डेकोर योर वेजिटेबल्स कैसे काटना है। तो अभी आप बच्चों ने जो है आधा घंटा आपके पास टाइम है और आपने अपनी कटिंग करनी है, आराम से करनी है, नाइफ अच्छे से हैंडल करना है और अपने प्लेटर में लगाना है। फिर जजेस भी हम ही हैं, हम दो लोग हैं, जो सबसे बेस्ट होगा, जिसकी अच्छी सी कटिंग होगी, जिसने अपनी अच्छी से प्लेट सजाई होगी, बेटा जब आपका एनुअल डे होगा स्कूल में उस दिन आपको उसका प्राइज़ मिलेगा। तो आप लोगों ने अब अपना जो अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं उसको कटना है, ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज मैं केंद्रीय विद्यालय में आया हूँ और देख रहा हूँ बच्चे काफ़ी खुश हैं और अभी जो है बच्चे हमारे द्वारा जो कटिंग बताई है उसको करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो ये देख सकते हैं आप बच्चे जो है अभी डिफरेंट कट्स ऑफ वेजिटेबल और सैलड डेकोरेशन में लगे हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि इनको आज का इवेंट कैसा लगा और देख सकते हैं आप। हेलो बच्चों, क्या नाम है बेटा आपका? आकांक्षा बेटा क्या क्या सीख कर रहे हो आप? अभी देख सकते हैं आप बच्चे शर्मा रहे हैं थोड़ा। और गौरी, गौरी बेटा आप क्या क्या सीखा आज आपने? आज मैंने वेजिटेबल कट करना सीखा। ओके। और उसका डेकोरेट करना सीखा। राइट बेटा, देख सकते हैं आप बच्चे जो अभी फ्रूट कटिंग में लगे हुए हैं और देख सकते हैं आप, वेरी गुड, शाबाश। कैसा लगा बेटा आपको आज जो इवेंट है, ऐसे इवेंट होने चाहिए? क्या क्या सीखा आज आपने? वेजिटेबल्स कट करना सीखा, उनको डिजाइन करना सीखा। शाबाश, ये देख सकते हैं आप बच्चे जो है जो इनको आज टिप्स ट्रिक्स जो है हमारे द्वारा बताई गई है उसको अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बच्चे जो है पूरे देख सकते हैं आप, एक बच्चे ने तो चॉपिंग बोर्ड भी लाया हुआ है, बेटा वेरी गुड। बच्चे जो है दोनों शोर से जो है वो खुद की जो है सामान लाया गया है उसको कटिंग कर रहे हैं और जब से जो है डेकोर करके जो है उसको प्रिपेयर करेंगे और बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसे इवेंट जो है स्मैश करके जो है स्कूलों में होते रहे तो बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उनकी जो हेल्थ वाइज जो रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिशन बच्चे उसको भी सीखते हैं और उनको काफ़ी जानने का मौका मिलता है और इस तरह के जो है इवेंट जो है स्कूलों में होने चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ केंद्रीय विद्यालय हम लोग के द्वारा कि उनकी सोच और उनका जो एक्सपीरियंस रहा एजुकेशन में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बच्चों को जो इस तरह के कार्यक्रम जो है स्मैश के द्वारा स्कूलों में करवाए जा रहे हैं और हमें बुलाया गया था कि आप बच्चों को थोड़ा टिप्स टिप्स बताएँ। तो देख सकते हैं बच्चे जो है कटिंग स्टार्ट होगी, वेरी गुड। बेटा बेटा कौन कौन से फ्रूट कर रहे हो यूज़ आप? कीवी, एप्पल और एक एप्पल।
क्या क्या बना रहे हो? और ये देख सकते हैं आप जो बच्ची है, क्या बना रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप? फ्रूट सैलेड, वेरी गुड। बच्चे तो बच्चे ही हैं, देख सकते हैं आप। एक बेटी है जो है, खाओ खाओ बेटा, खा लो कोई बात नहीं, भूख लग गई है। ये देख सकते हैं एक पार्ट वेस्ट है, कोई बात नहीं, इसको यूज़ कर लेना चाहिए ना, खट्टा है। तो देख सकते हैं बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है, और इनके द्वारा जो डिफरेंट जो है फ्रूट प्लेटर और ग्रीन सैलेड प्लेटर जो है तैयार किए गए, तो हम फर्स्ट जो है इस फ्रूट प्लेट वाले को कर रहे हैं। कशिश डोगरा, काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेटिव किया हुआ, और कटिंग जो है काफ़ी अच्छी थी। ये फर्स्ट प्राइज मैम, ये सेकेंड करना मैडम। ये बच्चे का नाम क्या है? ये एंजल है, 8th की बच्ची, सेकेंड प्राइज इसकी। और ये देख सकते हैं थर्ड में जो है दिव्यांशी संधु, अच्छा बिटिया है कोई, ये थर्ड है, ये थर्ड, ये सेकंड, और ये फर्स्ट जो ग्रीन सैलड में है। मैडम ये फ्रूट में देखना, फर्स्ट नताशा ठाकुर, इसने काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव कटिंग इन फॉर्म है। ये यशस्वी जो है फ्रूट प्लेटर में जो है फ्रूट सैलड में सेकेंड है, ये लड़की है, और थर्ड में ये है इसका स्टिकर। बेटू ये किसका प्लेट है? ये थर्ड है। ये किसका प्लेट है? देखो ये थर्ड वन जो है गौरी एंड ईशिता, हाँ ये अच्छा है, ये हो गए 6 सिलेक्ट हो गए। तो फाइनली जो आज केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में जो है बच्चों के लिए सैलड कंपटीशन का, और साथ ही जो है फ्रूट सैलड कंपटीशन का हमने थोड़ा उनको बारीकियाँ सिखाई, कटिंग्स की, और बच्चों ने जो है इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो देख सकते हैं पहले जो प्राइज जीता है जिसने, बेटा क्या नाम है आपका? कशिश। ये कशिश जो है काफ़ी अच्छा, इसने जो है हमारा जो ग्रीन वेजिटेबल का प्लेटर तैयार किया, काफ़ी अच्छी इसने बेटी ने कटिंग की थी, और साथ में अच्छे से इसको डेकोरेट किया है। सेकेंड प्राइज जो है एंजल है, और इसने भी कटिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है, आई अपीलिंग है, और इसने जो है सेकेंड प्राइज जीता है। थर्ड वन में दिव्यांशी संधू, और इसने भी अच्छा जो है अपना ग्रीन सेल के लिए जो है कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, और काफ़ी अच्छे से कटिंग की हुई है। और इसके आगे जो है फ्रूट का जो प्लेटर था फ्रूट सैलड में जो फर्स्ट आई है बेटी नताशा ठाकुर, और उसने जो है फ्रूट का जो सीजनल फ्रूट है उसका यूज़ किया है, और जो आजकल सर्दियों में खाए जाते हैं, काफ़ी अच्छा जो है डेकोरेट किया है, और काफ़ी अच्छा फ्रूट का जो इसने कॉम्बिनेशन जो है चूज़ किया है। सेकंड प्राइज जो है ये यशस्वी ने जीता है, और देख सकते हैं इसने भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है गुलाब सेब में जो है जैसे गुलाब का फूल होता है सेब में जो फ्रूट प्लेटर तैयार किया हुआ है। और थर्ड वन जो है गौरी है, और इसका भी काफ़ी अच्छा फ्रूट प्लेटर है, कलर कॉम्बिनेशन है, और सीजनल जो है फ्रूट प्लेटर द्वारा यूज़ किया गया। तो देखा आपने आज किस तरह से जो है यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि मनोरंजन ब्लॉग के साथ साथ जो है आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे जो है एजुकेशनल ब्लॉग भी देखने को मिलते रहे, और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आने वाले समय में जो आप लोगों के लिए इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो ब्लॉग लेके आता रहूँ। मिलते हैं किसी नए शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बाय बाय बच्चों।